चलिए यहां पर मेरा ये टॉपिक क्या है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, मतलब दो कर्व का इंटरसेक्शन, मतलब आपस में दो कर्व जहां पे कट रहे हैं, मतलब सिंपल सा दो कर्व जहां पे कट रहा है उसके बीच का एंगल क्या होगा। मैंने यहां पे भी देख सकता है कि यहां पे मैंने लिया थीटा, समझ पा रहे हैं, दो कर्व के बीच का एंगल। तो ध्यान देंगे यहां पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन देखिए क्या होता है, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द कर्व। कहने का मतलब है जो मैंने आप पहले वीडियो बताया है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, दो कर्व का बीच का एंगल, दो कर्व का जो एक कर्व का दो सॉरी किसी कर्व का दो टेंजेंट का जो बीच का एंगल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ सर कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट और एंगल बिटवीन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व दोनों एक ही बात है। हाँ दोनों एक ही बात है, ठीक है ना, ध्यान देंगे यहां पे दोनों एक ही बात है। देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वहां पर टेंजेंट के बीच का एंगल निकलता था, टेंजेंट के बीच का एंगल, और यहां पर क्या कर रहा है, जहां पर ये कर्व कट रहा है, देखिए सिंपल सा बात है, अगर मैंने देखिए ध्यान रखिएगा वहां पे टेंजेंट मेरा ऐसे कट रहा है, सिंपल सा बात है, अगर इस कर्व को मैं एक कर्व दे दूं यहां पे, मैंने इसी एंगल का भी बात कर रहा हूं ना, अगर यहां पर देखो कर्व दे दे तो इंटरसेक्शन ऑफ क्या निकल जाएगा, देखिए सॉरी उल्टा दे दिया मैंने, समझने वाली बात है यहां पे देखिए, अगर ये भी टेंजेंट है ये भी टेंजेंट है, इस पे अगर मैं टेंजेंट खींचू इस कर्व पे तो ऐसे खिंचाएगा, और इस कर्व पे टेंजेंट खींचेगा तो कैसा खिंचेगा, ऐसा। तो ये जो एंगल जो मेरा मिल रहा है, ये एंगल मिल रहा है, ये एंगल मिल रहा है, वो क्या है, दोनों इंटरसेक्शन किसका, टेंजेंट के बीच का इंटरसेक्शन। मैंने सिंपल सा बात है, अगर दो कर्व के मैं अगर दो कर्व का मैं बात करूं, दो कर्व के बीच का अगर इंटरसेक्शन एंगल की बात करूं, तो देखिए अगर मैं यहां पर अगर मैं टेंजेंट डालता हूं, सिंपल सा ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट डालूंगा ऐसे करके तो ऐसे टेंजेंट आएगा, और इस पॉइंट के अगर डालेंगे तो कैसा टेंजेंट आएगा। तो देखिए तो ये दोनों, ये भी टेंजेंट है और मेरा ये भी टेंजेंट है दोनों पॉइंट पर, सब सिंपल सा बात है, ये कर्व वन का टेंजेंट ये है और कर्व टू का टेंजेंट ये है, तो क्या ये दोनों का बीच देख सकते हैं, एक ऐसे गया और एक ऐसे गया, इसके बीच का ही तो एंगल मैं बात कर रहा हूं, इसीलिए मैं इसको क्या बोलता हूं, एंगल बिटवीन टेंजेंट और एंगल बिटवीन द इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व दोनों का मतलब एक ही है, यहां साफ साफ लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व थीटा इज गिवन बाय, वही लिख दिया हूं, जो मैंने एंगल बिटवीन टेंजेंट निकाला था वही मेरा क्या हो गया, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व का, ठीक है, वही बात सेम बात है, ठीक है ना, आप फिगर से देख सकते हैं, ठीक है, फिगर में आपको समझ में आ गया होगा, फिगर से आप देख सकते हैं, जहां वेयर आप देख सकते हैं वेयर कि ये M1 जो यहां है, M1 यहां पर था, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरा M1 माइनस M2 बटा 1 प्लस M1 इंटू M2, यही बात की हमने, ठीक है ना, यही बात किया था, इसका मोड में मैंने बताया था इसका मोड हो जाएगा। तो यहां पर जो M1 है, M1 क्या है मेरा, वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, क्या वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx ऑफ फर्स्ट कर्व एट कहां पर, P पॉइंट पर, एंड M2 मेरा क्या है, वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx ऑफ सेकेंड कर्व एट कहां पर, पी पॉइंट पर, आप समझ में रहा, एम वन का मतलब पहला कर्व का स्लोप है, एम टू का मतलब दूसरा कर्व का स्लोप है, कौन सा पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर जहां पर वहां पर क्या दे रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रहा है। तो उसमें अगर मैं पहला कर्व का स्लोप निकाल लेंगे, दूसरे कर्व का स्लोप निकाल लेंगे, इस पर बैठा देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, और ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, सवाल इससे आता भी है एग्जाम में, ठीक है, एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन, ठीक है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट हम लोग क्यों पढ़े, क्योंकि एंगल बिटवीन टेंजेंट हम लोग इसलिए पढ़े क्योंकि उसी के बेसिस पर ये है, उसको समझ के तो ये भी समझ गया, क्योंकि वो जैसा है वैसा ही ये है, बिल्कुल वही है, ड्यू टू वही है। चलिए हम लोग अभी पढ़ रहे थे इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व देख रहे थे, तो इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व के बीच का जो एंगल है उसी के नोट्स है, नोट में चलेंगे हम लोग। देखिए अगर मान लीजिए सपोज उसमें जो सवाल में इफ टू कर्व कट इज अदर एट राइट एंगल ऑर्थोगोनली देन, तब जो उस कर्व का जो स्लोप होगा M1 into M2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, मतलब ऐसा आएगा कर्व कभी कभी जो कि दोनों टेंजेंट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब ऑर्थोगोनल राइट एंगल का मतलब परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा वो,
क्या हो जाएगा उसके साथ एम वन इंटू एम टू बराबर कितना हो जाएगा माइनस वन. इफ टू कर्व टच टू इच अदर देन देयर टेंजेंट एट पी विल बी कॉमन. माने अगर दो कर्व दो टेंजेंट है और अगर दो कर्व है और अगर दोनों कर्व को अगर एक ही टेंजेंट दोनों को टच कर रहा है, सिंपल सा बात है, दोनों को टच कर रहा है तो टेंजेंट जो होगा वो दोनों के लिए क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा. सिंपल सा बात देखिए यहाँ पे, अगर सपोज अगर ये आपका एक टेंजेंट खींचा हुआ है, इस कर्व को भी टच कर दिया ऐसे या इस कर्व को भी ऐसे टच कर दिया. सिंपल सा कर्व आप बना लीजिए पहले, मान लो सपोज कि ऐसा कर्व है और एक कर्व ऐसा टच करके जा रहा है, इसके बीच में दोनों टेंजेंट डाल दिए तो ये जो टेंजेंट है वो इस कर्व के लिए भी हो गया इस कर्व के लिए हो गया. माने ये टेंजेंट दोनों के लिए क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा. जब दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा तो उस समय दोनों के बीच का एंगल जो बनेगा, दोनों कर्व के बीच का एंगल बनेगा वो जीरो बन जाएगा. उस समय मेरा क्या हो जाएगा एम वन बराबर एम टू हो जाएगा. ये किसकी, ठीक है, बात समझ में आ रही है. तो ये बात था आप लोग का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व के बीच में, माने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में. आप उसके बेसिस पर हम लोग सवाल देखेंगे.